गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स आज इस वीडियो में मैं आपको कक्षा 5 की इंग्लिश का लेसन 6 अलर्ट रैबिट के क्वेश्चन आंसर हर्ट कराऊंगी। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। वेयर वाज द विलेज बांतलेनोक? ये जो बांतलेनोक विलेज था वो कहाँ पे था? थाईलैंड, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड या इंडिया? तो ये जो विलेज था वो थाईलैंड में था, हमारा फर्स्ट इसका राइट ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन है, हु क्राइड मा मा? इस चैप्टर में मा मा कौन चिल्लाया? रैबिट, गोट, एलिफेंट या क्रो, काउ? तो इसमें जो गोट गोट का बच्चा होता है, बेबी गोट, वो मा मा चिल्लाया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, वेयर डिड द रैबिट हियर द न्यूज ऑफ सुनामी? सुनामी की जो न्यूज़ थी वो रैबिट ने कहाँ सुनी? ऑन टीवी, इन एनिमल मीटिंग, ऑन रेडियो या नन? तो इसमें हमारा आंसर होगा बी, क्योंकि उसने रेडियो पे ये खबर सुनी थी। हु आस्क्ड एवरीवन टू स्टे काम आफ्टर हियरिंग सुनामी न्यूज? मतलब किसने सभी को शांत रहने के लिए बोला? सुनामी की खबर सुनकर किसने सभी को शांत रहने के लिए बोला? बटरफ्लाई, एंट, फ्रॉग या रैट? तो आंसर होगा हमारा बी, एंट ने बोला था ऐसे। अगला क्वेश्चन है, व्हाट अबाउट द हेडमैन एंट टोल्ड टू द एवरीवन? मतलब सभी को हेडमैन ने क्या बताया? हेडमैन एंट जो थी मुख्य वो मतलब एंट जो थी चींटी सी जो थी उसने उनको क्या बताया? म्यूजिक सिस्टम, साउंड सिस्टम, वार्निंग सिस्टम। किसके बारे में बताया? वार्निंग सिस्टम के बारे में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, व्हेन वाज दीज मीटिंग ऑर्गेनाइज्ड आफ्टर हियरिंग द न्यूज ऑफ सुनामी? ठीक है, मतलब सुनामी की खबर सुनकर मीटिंग कब रखी गई? ठीक है, इन द सेम डे, आफ्टर टू डेज आफ्टर, या नेक्स्ट डे, या फिर 3 डेज आफ्टर? तो आंसर होगा हमारा नेक्स्ट डे, बी इसका राइट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन है, हु सेज दिस लाइन? ये लाइन किसने कही? माय किड्स विल नॉट गो आउट टू प्ले बाय देमसेल्फ इन हजार्डस प्लेस। ठीक है, वो कहती है कि खतरनाक मेरे बच्चे अकेले खेलने नहीं जा सकते, ठीक है, खतरनाक जगहों पे। तो एलिफेंट ने बोला था ये बात, मदर फ्रॉग ने बोला था, बटरफ्लाई ने या गोट ने? तो मदर फ्रॉग ने ये बातें बोली थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हु विल मेक द मैप ऑफ द विलेज? विलेज का मैप किसने बनाया? एलिफेंट, फ्रॉग, मदर गोट या बटरफ्लाई? तो मदर गोट ने ये फ्लैग बनाया था। अगला क्वेश्चन है, हु वाज टू ओल्ड अमंग एनिमल्स? इन एनिमल्स में सबसे बूढ़ा कौन? ओक्स, हेडमैन एंट, एलिफेंट या फिर गोट? तो ओक्स जो था वो सबसे बूढ़ा था। हु मेड द लिस्ट ऑफ थिंग्स टू डू? लिस्ट ऑफ थिंग्स टू डू? चीज़ों की लिस्ट किसने बनाई? एलिफेंट ने, गोट ने, फिर हेडमैन एंट ने या फिर ओक्स ने? तो हेडमैन एंट जो थी उसने ये बनाई थी। अगला क्वेश्चन होगा हमारा, हु हियर द न्यूज ऑफ अर्थक्वेक? भूकंप की न्यूज किसने सुनी थी? मदर काउ, रैबिट, मदर गोट या रैट? तो रैबिट ने सुनी थी, है ना, उसी ने सभी को बताया था। वेयर डिड द अर्थक्वेक ऑक्यूर? अर्थक्वेक जो था वो ऑक्यूर मतलब कहाँ पे उत्पन्न हुआ था, कहाँ पे शुरू हुआ था, पैदा हुआ था? जावा आइसलैंड, इंग्लैंड, थाईलैंड या नन? तो वो जावा आइसलैंड में। ठीक है, अगला क्वेश्चन होगा हमारा, हाउ डिड द रैबिट मेक अलर्ट टू ऑल एनिमल? कैसे उसने कैसे सभी को अलर्ट किया? हूटिंग बाय ब्लो सायरन या बीटिंग द अर्थ बाय रनिंग हेयर एंड देयर? तो उसने बाय बीटिंग द अर्थ। ठीक है, ये हमारा राइट ऑप्शन होगा, मतलब जमीन को पीट कर। अगला क्वेश्चन होगा, व्हाट इज द मेजर कॉज ऑफ सुनामी इन थाईलैंड? थाईलैंड में मेजर कॉज, मुख्य कारण क्या था सुनामी का? फ्लड, डिफोरेस्टेशन, अर्थक्वेक या नन? तो अर्थक्वेक था, भूकंप था उसका मेन रीजन। हु अलर्टेड ऑल द एनिमल्स? किसने सभी को अलर्ट किया?
एलिफेंट एंड फ्रॉग रैबिट, ये तो आपको भी पता होगा रैबिट ने किया था। ठीक है, ये थे बच्चों हमारे आज के क्वेश्चन।